नगर में धूमधाम से मनाया गया ईद मिलादुन्नबी का जश्न। इटावा पुरानी गल्ला मंडी से मुस्लिम समाज ने निकाला जुलूस। दरअसल आज मुस्लिम समाज ने ईद मिलादुन्नबी का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया। जानकारी अनुसार इस्लामिक कैलेंडर के तीसरे महीने रबीउल अव्वल की 12वीं तारीख को पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का पैदाइश का दिन है और इस दिन को मोहम्मद साहब की शिक्षाओं को याद करते हुए ईद मिलादुन्नबी का त्यौहार मनाया जाता है, जिसके चलते मुस्लिम समुदाय ने एक जुलूस का आयोजन किया जिसमें मुस्लिम समुदाय के बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए। जुलूस इटावा पुरानी गल्ला मंडी से शुरू होकर कच्चा रोड, महावीर चौक, गांधी तिराहा, स्टेशन रोड, सर्वोदय चौराहा होते हुए पुरानी इटावा गल्ला मंडी में समाप्त हुआ। जुलूस में छोटे छोटे बच्चे हाथों में झंडा लेकर चल रहे थे। साथ ही जुलूस में मुस्लिम समुदाय के अलावा सर्वधर्म के लोग शामिल हुए। वहीं जुलूस को देखते हुए बड़ी तादाद में पुलिस बल को तैनात किया गया और पुलिस के जवान जुलूस के साथ साथ चल रहे थे, जिससे किसी भी तरह की अव्यवस्था न हो। साथ ही आज इमली वाली दरगाह पर लंगर का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें सैकड़ों की तादाद में लोग शामिल होंगे। हमारे नबी की पैदाइश का दिन है आज, उनकी शान में हम लोग हर साल प्रतिवर्ष जुलूस निकालते हैं। मुस्लिम समुदाय द्वारा एक बड़ा भव्य जुलूस हर साल निकाला जाता है। ये जुलूस इटावा पुरानी गल्ला मंडी से कच्चा रोड, महावीर चौराहा, गांधी चौराहा, सर्वोदय चौराहा, अम्बेडकर चौराहा से होते हुए इटावा में जाके समाप्त होगा। सभी लोगों ने इस्तकबाल किया और सभी लोग जुलूस में शामिल हुए। आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सालगिरह जन्मदिन के मौके पर ईद मिलादुन्नबी का त्यौहार मुस्लिम समुदाय द्वारा मनाया गया है। इसमें जो जुलूस हर साल निकाला जाता था वो इस साल भी निकाला गया है मुस्लिम समुदाय के द्वारा, जो गल्ला मंडी से शुरू हुआ और कच्चा रोड होते हुए सिनेमा तिराहा, महावीर चौक होता हुआ सर्वोदय चौराहे से वापस गल्ला मंडी पर समाप्त हुआ है। और 2 बजे से ईद मिलादुन्नबी के त्यौहार पर जो हर साल लंगर का आयोजन किया जाता है वो इस साल भी किया जा रहा है और 2 बजे से लंगर शुरू होगा जो 10 बजे तक चलेगा रात्रि तक। जो इमली वाली दरगाह हजरत कुतुबुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानी जाती है, इमली वाली दरगाह स्टेशन रोड पर है, वहाँ पर लंगर का आयोजन किया जाता है।